आज हम जिस SCP के बारे में बात करने वाले हैं, उस SCP को हिरन की खोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मोस्ट कॉमनली उसे वेंडिगो स्कल या फिर SCP-323 भी कहा जाता है। तो आज हम उसी हिरन की खोपड़ी की पूरी कहानी जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं SCP-323 द वेंडिगो स्कल के बारे में। SCP-323 को 17x17 मीटर के कंक्रीट कंटेनमेंट सेल साइट 91 में रखा गया है। SCP-323 को सेल के सेंटर में 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में 8.8 सेंटीमीटर के थिक ट्रांसपेरेंट आर्मर से लैस कंटेनर में रखा गया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस किया जा सकता है। इस सेल के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है। अगर कोई भी हरकत होती है तो उसे फौरन रिपोर्ट किया जाना जरूरी है। कोई भी पर्सनल को SCP-323 के सेल में जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उसी हालत में SCP-323 के सेल में जाया जा सकता है जब उसे जकड़ने वाली जंजीरों की टेस्टिंग चल रही हो। SCP-323 को जकड़ने वाली जंजीरों को हर सप्ताह जांचा जाता है। अगर कोई डैमेज नजर आए तो उसे फौरन रिपेयर किया जाना चाहिए। पर्सनल के साथ सेल में हमेशा एक आर्मर्ड गार्ड का होना जरूरी है। सेल के अंदर 45 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए और SCP-323 के नजदीक इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में भी कुछ भी लिखा या पढ़ा नहीं जाना चाहिए। अगर SCP-323 कंटेनमेंट को ब्रीच कर देता है तो उस केस में साइट को लॉकडाउन करना होगा और कंटेनमेंट ब्रीच के दौरान SCP-323-1 फॉर्म होंगे। अब SCP-323-1 और कोई नहीं बल्कि वो लोग हैं जो SCP-323 का शिकार बन चुके हैं। SCP-323-1 फॉर्म होने के केस में आर्म गार्ड्स को उसे मारने भेजा जाएगा और जल्द से जल्द SCP-323 को वापस कैद किया जाएगा, यानी कि उसे पकड़ के वापस कंटेनमेंट सेल में डाल दिया जाएगा। SCP-323 असल में एक हिरण के सर जैसी खोपड़ी है, जिसकी 55 सेंटीमीटर लंबाई, 27 सेंटीमीटर चौड़ाई और 31 सेंटीमीटर ऊंचाई है। वही उसका एक सिंग 35 सेंटीमीटर तो दूसरा 46 सेंटीमीटर लंबा है। SCP-323 ऐसा लगता है जैसे उसे डैमेज किया गया हो। उस पे स्कैरिंग और पिटिंग के निशान हैं और उसका लोअर मैंडिबल भी गायब है। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर 25 सेंटीमीटर बड़ा और 23 सेंटीमीटर चौड़ा गैप है, जो हो सकता है कि टूल्स के द्वारा कार्व किया गया हो। SCP-323 आवाजों, उसको छूने और दिखने पर सब्जेक्ट्स पे रिएक्ट करता है। टेस्टिंग से पता चला है कि SCP-323 दूसरे हिरणों की तरह ही 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है और सब्जेक्ट के दिखे जाने पर रिएक्ट भी कर सकता है। SCP-323 का स्पेसिफिक पर्सनल पर हमला करना, कंटेनमेंट ब्रीच करना और फ्रेंच या इंग्लिश स्पीकर्स पर वॉयलेंट रिएक्शंस करना एक तरह की चतुराई दर्शाता है, लेकिन ये फिलहाल अनकन्फर्म्ड है। SCP-323 खुद को मूव भी कर सकता है, जैसे कि उसे टच करना और मोड़े जाने पर वो कुछ वाइब्रेशंस और मूवमेंट्स कर सकता है। हालांकि SCP-323 लार्ज मूवमेंट्स भी कर चुका है ताकि वो कंटेनमेंट मेजर्स पे फोर्स डाल सके। SCP-323 खुद के 15 मीटर के रेडियस में एक प्रभावशाली इफेक्ट रिलीज करता है। अगर कोई 1 घंटे से ज्यादा उसके एक्सपोजर में रहा तो वो सब्जेक्ट को गुस्सा आने लगेगा, उसका आपा खो जाएगा और वो हिंसा करने लगेगा। इस पॉइंट के बाद रफली 74% सब्जेक्ट्स SCP-323 के उस गैप में खुद के सर को रखने की कोशिश करते हैं और ये गैप वही गैप है जहां से कि SCP-323 को पहना जा सकता है और उसे पहनने वाले सब्जेक्ट्स SCP-323-1 बन जाते हैं। अगर उस सब्जेक्ट का सर SCP-323 में फिट नहीं बैठेगा तो वो अपना सर किसी सख्त जगह पर तब तक पीटता रहेगा जब तक कि वो SCP-323 में फिट नहीं बैठ जाता है।
जब सब्जेक्ट का सर SCP 323 में फिट आ जाएगा तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो SCP-323-1 बन जाता है। SCP-323 को सर में लगाने के 10 मिनट के अंदर ही सब्जेक्ट में काफ़ी फिजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं, जैसे कि शरीर पतला हो जाना, शरीर पे बाल या दांत का बढ़ जाना, नाखून बढ़ जाना, सब्जेक्ट्स को दर्द महसूस ना हो पाना और ताकत बढ़ जाना। हालांकि SCP-323-1 में काफ़ी अजीब चेंजेस आने लगते हैं, लेकिन उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। SCP-323-1 मेटाबॉलिज्म में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाएगा, जिस वजह से उसे कॉन्स्टेंटली कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। उसे 15 से 30 मिनट में भूख लगना शुरू हो जाएगी और उसकी इसी भूख को मिटाने के लिए SCP-323-1 बाहर जाएगा और शिकार करेगा ताकि वो सस्टेन कर सके। अगर SCP-323-1 शिकार ढूंढने में असफल रहता है तो अपनी मूवमेंट लिमिटेड कर देगा, अवेलेबल फूड कंज्यूम करने लगेगा और ऑटो कैनिबलिज्म अपनाएगा। SCP-323-1 सिर्फ इंसानों को ही खाना पसंद करता है, हालांकि वो दूसरी चीजों से भी काम चला सकता है, लेकिन वो खाने के लिए सिर्फ इंसानों को ही चुनता है। SCP-323-1 को वेरियस स्टेटमेंट्स बोलते हुए भी सुना गया है, जैसे कि सेवर्न ओजीवे या पोटेवाटोमी। हालांकि SCP-323-1 क्री भाषाएं और नेटिव लैंग्वेजेस भी बोलता है। ये स्टेटमेंट्स और लैंग्वेजेस SCP-323 के एनामलस इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है या SCP-323 से ही ओरिजिनेट करता है, इसका पता लग पाना फिलहाल अभी बाकी है। SCP-323 को 9 दिसंबर 1997 में बेटन लेक रिजर्व कनाडा में डिस्कवर किया गया था, जहां एक अनरजिस्टर्ड कम्युनिटी SCP-323-1 के इंस्टेंसेस को सस्टेन कर रही थी। और अगर हम बात करें SCP-323 के ऑब्जेक्ट क्लास की, तो इसे ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड में रखा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना SCP-323 द वेंडिगो स्कल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर बिल्कुल ही कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन ही जाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।